इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ISS 2016 स्टैटिस्टिक्स पेपर वन सेट ए क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है, तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवेन ए इक्वल टू हाफ। Which of the following are correct? A and B are independent event. Probability of A less than probability of B. Probability of A complement given B equal to 3/4. A and B are mutually exclusive event. Select the correct answer using the code given 1, 2 and 3 only. देखिए, इसमें से हमें देखना है कि कौन से करेक्ट है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है और हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो देखिए, हमारे पास एक गिवन दिया हुआ है जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू हाफ। तो देखिए, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का पता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो भी पता है, तो हम वो लिख लेते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए वो है हाफ, ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन पता नहीं है, और प्रोबेबिलिटी और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो है 1/4। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 इंटू हाफ, तो वो हो गया 1/8। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 1/8 हो गया है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो वहां पे ए इन इंटरसेक्शन बी जीरो होता है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड सकते हैं कि द फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फोर इज नॉट करेक्ट। तो देखिए, फोर अगर करेक्ट नहीं है तो बी करेक्ट नहीं हो सकता, सी भी करेक्ट नहीं हो सकता, डी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचा, ए। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो करेक्ट है। देखिए, आईएसएस में टाइम का बहुत कमी होता है, तो अगर आप यहां से अगर आप आंसर लिख देंगे ए तो भी चलेगा, पर हम बाकी जो स्टेटमेंट है वो भी चेक कर लेंगे कि असल में सच में ए करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया है। ठीक है, तो यहां से हम और चीज देखिए, तो देखिए, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो देखिए, हम अभी इसको यूज करेंगे, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का वैल्यू पता है, वो वैल्यू क्या है, वो है 1/4, 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए, यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। देखिए, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हाफ। तो देखिए, यहां पे जो जो ये स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो देखिए, हाफ जो है वो 1/4 से बड़ा है, तो हम यहां से कह सकते हैं जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इक्वल टू 3/4 है, हमें इसको चेक करना है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवेन बी। तो देखिए, ए गिवेन बी हमें ये पता है, तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 इक्वल टू
3/4। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हम यहां लिख देते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। अभी देखिए लास्ट जो स्टेटमेंट बचा हुआ है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करना कि ए आर बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए क्या करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट इवेंट तभी हो सकता है जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है वो है 1/8। तो अभी हम इन दोनों को इंटू करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/2, तो इक्वल टू 1/8। तो देखिए ये ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है मतलब वो ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए इज करेक्ट। देखिए आपके पास एग्जाम में कम टाइम होगा, इसीलिए अगर आप फोर्थ नंबर स्टेटमेंट अगर आप यहां पर भी अगर आप आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा, आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर फोर्थ स्टेटमेंट, देखिए फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो हम पहले देख लिए थे। कैसे देख लिए थे, क्योंकि जो इंटरसेक्शन है अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो जीरो होगा, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकल रहा है तो जो फोर स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फोर करेक्ट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप ये वाला पहले हम कह सकते थे। इसके बाद हमने चेक कर भी देख लिया कि स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है और स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो आपने फेसबुक में देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।